सुप्रभात, मैं ममता सुराड़ी हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम उप विषय व्याकरण में प्रकरण प्रिंट माध्यम पढ़ेंगे। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत भैया बहनों आज हम आलेख के बारे में जानेंगे। आलेख क्या है? आलेख शब्द को यदि हम परिभाषित करेंगे तो आलेख दो शब्दों के मेल से आ धन ले। आ शब्द क्या है? आ क्या है? एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? आकर्षक। लेख शब्द से आशय विचारों का लिखित रूप। अब दोनों को यदि जोड़कर देखा जाए तो आलेख शब्द का अर्थ हुआ आकर्षक लेख, अर्थात कैसा लेख? आकर्षक लेख, लेखक के द्वारा लिखित ऐसा आकर्षित लेख जो पाठक को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे। सामान्य शब्दांश में यह इसकी परिभाषा हुई कि कोई रचना विचारों का ऐसा प्रस्तुतिकरण, ऐसा लेख जो अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे, आकर्षण को लिए हुए हो। ठीक। और यदि इसको परिभाषित करें इस ढंग से इसकी परिभाषा होगी, आलेख गद्य की वह विधा है जिसमें एक विषय पर सम्यक विचार प्रस्तुत होते हैं। गद्य साहित्य की वह विधा आलेख है जिसमें दिया गया विषय, एक विषय से आशय, दिया गया विषय अर्थात हमारा जो मुख्य शीर्षक है जिसे आधार बनाकर हमने आलेख प्रस्तुत करना है, उस पर हम लेखक के क्या होते हैं? सम्यक विचार, समान विचार प्रस्तुत होते हैं, वह रचना क्या कहलाती है? आलेख कहलाती है। आलेख वैचारिक गद्य लेखन को कहा जाता है। वैचारिक गद्य यानी विचारों का जो लेखक के अंदर मन में, हृदय में समाये हुए जो भाव हैं, जो विचार हैं, उसको उसने क्या दिया? लिखित रूप दिया, तो वैचारिक गद्य लेखन क्या कहलाता है? आलेख कहलाता है। इसमें किसी एक विषय पर, आलेख के अंतर्गत किसी एक विषय, विषय शब्द से आशय जो हमारा क्या है, शीर्षक है, जिस बिंदु को आधार बनाकर हमें आलेख प्रस्तुत करना है, विषय पर विचारों की तर्कपूर्ण विश्लेषणात्मक प्रस्तुति भी की जाती है, उस पर हम अपने तर्क उसमें विश्लेषण भी कर सकते हैं। यह थी आलेख की परिभाषा। अब आलेख के अंगों के बारे में यदि हम जाने, आलेख के अंग, आलेख के मुख्य दो अंग होते हैं, कौन कौन से? भूमिका और विषय का प्रतिपादन। भूमिका से आशय जो हमारा शीर्षक है, यानी हमको जिस विषय को आधार बनाना है, जो हमारा टॉपिक है जिसे लेकर हमने आधार अपना आलेख प्रस्तुत करना है, उसकी भूमिका, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, जो उसका प्रस्तावना है वह। लेकिन आलेख एक लघु संक्षिप्त रूप पर आधारित रचना है, तो इसकी जो भूमिका होती है वह कैसी होती है? छोटी होती है। जो हमारा शीर्षक है उसको, उसकी जब हम भूमिका की प्रस्तुति करेंगे तो भूमिका कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। फिर अगला विषय का प्रतिपादन। आलेख लिखते समय विषय का प्रतिपादन, अर्थात विषय का प्रतिपादन धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आलेख को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अंतर्गत जैसे संबंधित विषय की जानकारी अगर लेखक को होगी तो उसको क्रमबद्ध तरीके से, तर्कपूर्ण ढंग से धीरे धीरे आगे बढ़ाकर उसकी प्रस्तुति करके अंततः क्या देंगे, उसमें निष्कर्ष देंगे। तो सामान्य शब्दांश में आलेख से आशय हुआ आकर्षक लेख, विचारों का ऐसा लेख जो अपनी ओर क्या करे, पाठक को आकर्षित करे। यह थी आलेख की परिभाषा।